अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नताशा वकास। आज की जो वीडियो है वो कलौंजी के बारे में है। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अपने मेन चैनल पे बताऊंगी कि मैंने कलौंजी को कैसे यूज़ किया था और आप सब लोग कलौंजी को कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, तो वो सब कुछ मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। मैंने कलौंजी को तीनों तरीके से लिया था। मैंने कलौंजी के बीज भी इस्तेमाल किए थे, कलौंजी का जो पाउडर होता है वो भी इस्तेमाल किया था और कलौंजी का ऑयल भी यूज़ किया था। सना मक्की का जो कहवा है ना वो मैंने नहीं लिया था, क्योंकि वो मैंने लिया था पित्त की पथरी के लिए, तो वो मुझे सूट नहीं किया था। मुझे उससे मोशन लग जाते थे, क्योंकि मतलब हर चीज़ का जो इफेक्ट होता है ना वो हर पर्सन की इम्यूनिटी के हिसाब से होता है। कोई कोई चीज़ें गर्म बर्दाश्त कर सकता है, कोई बंदा गर्म चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो उसके हिसाब से हर किसी के ऊपर इसके रिजल्ट आते हैं। तो फिर मैंने इस वजह से कलौंजी को यूज़ किया था। तो मैंने कलौंजी के जो दाने होते हैं वो मैं यहाँ पे पिक्चर चला दूँ, क्योंकि वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। पाउडर और तेल जो था वो मेरे पास वाफर मिकदार में था, क्योंकि वो मुझे पीआर में आया हुआ था चिल्तान प्योर की जानब से, तो वही मेरे पास पड़ा था, तो मैंने वही यूज़ किया था। उसका क्रश फॉर्म में पाउडर और जो उसको ऑयल होता है वो भी। तो जो बीज था वो मैंने बाजार से लिया था और वो 20 रुपये का जो थोड़ा सा पैकेट आता है जिसमें मेथी दाने, कलौंजी दाना, सारे दाने आपको मिल जाते हैं, तो वो बीज मैंने ऐसा लिया था कि सुबह निहार मुँह लिया था मैंने 7 दाने सिर्फ उसके, ठीक है। सुबह निहार मुँह 7 दाने मैंने लिए थे उसके। किसी दिन मैं दाने लेती थी और किसी दिन जो है वो मैं उसका पाउडर लेती थी क्रश फार्म में, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाला पाउडर था कलौंजी का जो मैंने यूज किया था, और ये फुल भरा हुआ था डब्बा ऊपर तक, और मैंने ये सालन में भी यूज किया है, खाने में भी यूज किया है और निहार मुँह लेने में भी यूज़ किया। अभी भी आपको लग रहा होगा ये फुल है, लेकिन ये इससे भी ऊपर तक बिल्कुल फुल भरा हुआ था, बहुत ज़्यादा। और ये बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा यूज़ होता है, मतलब आप कम से कम जो है ना कलौंजी ले सकते हैं 7 दाने, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप 1 स्पून तक ले सकते हैं क्रश फॉर्म में, और 7 दाने आप साबुत ले सकते हैं। इसके अलावा ये ऑयल भी था इसका, और ये ऑयल जो है आप सलाद पर यूज़ कर सकते हैं टॉपिंग करके, या आप खाने के अंदर यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से आप यूज़ कर सकते हैं इसका ऑयल। तो मैंने ये दोनों चीज़ें यूज़ की थी, और बीज जो थे वो आपको बाजार से आम मिल जाएंगे, आप वो भी ले सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके बेनिफिट बता दूं कि कलौंजी जो है वो एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटी एंटाई आप जो भी बोल रहे हैं, या फिर एंटी फंगल है। इसके अलावा ये जो है इसके अंदर पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन और विटामिन ए जो है वो रिच मिकदार में मौजूद है। और आपको बताया कलौंजी के बारे में हदीस भी है कि कलौंजी के अंदर मौत के सिवा हर बीमारी से शिफा है। तो कलौंजी जो है वो बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा, और स्पेशली एंटी फंगल है। मतलब आपके जिस्म के किसी भी हिस्से में कोई चोट वगैरह लगी होती है अंदरूनी या बैरूनी, तो वहाँ पर फंगल वगैरह लगने नहीं देती। एंटी बैक्टीरियल है तो बैक्टीरिया भी खटा नहीं होने देती। एंटी इन्फ्लेमेटरी है मतलब कि कोई सोजिश, सोजन वगैरह जिस्म में है तो ये उसको भी रिकवर करती है बहुत जल्दी, और उसको रिकवर करने में मदद देती है। हमारे जिस्म में काफी दफा अंदरूनी चोटें लग जाती हैं जिसकी वजह से हमारे जिस्म में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी उस जख्म को बिगड़ने नहीं देती, उसको खराब नहीं होने देती, उसमें पस वगैरह पड़ने नहीं देती, और जल्दी जल्दी से वो जख्म जो है वो हील होता है इसकी वजह से। इसके अलावा एंटी ऑक्सीडेंट है। एंटी ऑक्सीडेंट ऐसे है कि हमारे जिस्म में काफी ज्यादा फ्री रेडिकल्स होते हैं, कि एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है वो उन फ्री रेडिकल्स को अपने साथ मिला लेती है और उनको हमारे जिस्म से फ्लश आउट कराती है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में कैंसर सेल्स नहीं बनते। और ये बहुत ही मतलब जितनी कलौंजी कैंसर के पेशेंट के लिए यूजफुल है ना, और कोई चीज नहीं होगी यूजफुल। इसके काफी ज्यादा रिजल्ट्स यूट्यूब पे भी हैं, आपको जगह जगह मिल जाएंगे कि इसके वाकई में ही बहुत ही ज्यादा फवायद हैं, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है। तो इसी वजह से हमारे जिस्म में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो हमारे जिस्म में कैंसर सेल्स वगैरह बना देते हैं, अगर वो फ्लश आउट ना हो बॉडी से अच्छे तरीके से, तो जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं वो उनके साथ मिलके इनको हमारे जिस्म से इजीली फ्लश आउट करवा देती है, और हमारे जिस्म को कैंसर सेल्स बनने से बचाती है। और अगर किसी के जिस्म में अल्लाह ना करे कैंसर के सेल्स बनना भी शुरू हो जाते हैं, तो ये उनको भी खत्म करने में बहुत ज्यादा मदद। कलौंजी का जो दाना होता है वो बीज वाला दाना होता है, उसके अंदर ऑयल भी होता है, तो इसका जो सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है वो पीसीओडी और पीसीओएस वालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, कि आप सीड साइकिलिंग प्रोसेस अगर कलौंजी के थ्रू करते हैं ना, मतलब एक डेट से दूसरी डेट तक जो सीड साइकिलिंग का प्रोसेस होता है कि आपने उसमें निहार मुँह कलौंजी लेनी होती है, तो उससे आपका पीसीओडी और पीसीओएस का मसला भी हल हो जाता है। मैंने जिस पर्पज के लिए यूज की थी कि मुझे ब्रेथिंग का बहुत इशू था, कि मेरा सांस फूल रहा था बात करते हुए, अभी भी है, इतना ज्यादा रिकवर नहीं हुआ, उसके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। इम्यूनिटी बहुत अच्छी आपकी ये बिल्डअप कर देती है, कि आपके अंदर कुव्वत मुदाफियत बढ़ जाती है, इसकी वजह से आप थोड़ा सा एक्टिव होते हैं, मेटाबॉलिज्म एक्टिव हो जाता है आप लोगों का, और ये उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है। मैंने इस पर्पज के लिए यूज की थी। इसके अलावा मैं इसको वैसे भी कभी कभार जैतून के तेल के साथ लेती हूँ पित्ते की पथरी की वजह से, जिसकी वजह से मेरी पित्ते की पथरी जो है मुझे इतना ज्यादा पेन नहीं करती। जब मुझे बहुत ज्यादा पेन स्टार्ट होता है तो उन दिनों में मैं इसको लेना शुरू कर देती हूँ, जब मैं कोई बदपरहेजी करती हूँ, कोई चीज वगैरह खाती हूँ, तो मैं फिर इसको लेती हूँ, इसकी वजह से मेरी पेन जो है वो काफी हद तक कंट्रोल हो जाती है, मैं फिर से एक्टिव हो जाती हूँ, अदरवाइज मैं स्लो हो जाती हूँ जब मुझे पेन होती है। तो
तो मेरे से उठने नहीं होता, मुझे ठंडे ठंडे पसीने आते हैं, मेरा ब्लड प्रेशर लो होना शुरू हो जाता है। तो ये उस चीज़ के लिए बहुत अच्छी, आपका ब्लड प्रेशर भी लेवल कर देती है, स्पेशली जिन लोगों को शुगर होती है, इंसुलिन उनके जिस्म की मसला करती है तो ये उसको भी बैलेंस करती है। और अगर वो लोग प्रॉपर इसको लेना शुरू कर दें, कलौंजी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, तो उनका जो शुगर का मसला है वो भी हो जाता है हल। इसके अलावा किसी किसी लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल आपको पता है दो तरह के होते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल। तो लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है जिसकी वजह से उनको हार्ट का भी इशू हो सकता है, हार्ट अटैक आने के भी चांसेस होते हैं। तो ये उसको भी बैलेंस कर देती है, स्पेशली आपके ब्लड को साफ करती है, ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करती है। हमारे गुर्दों को हेल्दी रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है हेल्दी रहने के लिए, तो कलौंजी जो होती है वो हमारे गुर्दों को भी बहुत ज्यादा हेल्थी रखती है, क्योंकि ये डिटॉक्सिफाई करती है कि हमारे जिस्म से कोई गंद वगैरह होता है तो उसको फ्लश आउट कर देती है। इसके अलावा अगर आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं है तो उनको रेगुलर करने के लिए यूज होती है। खांसी है, दमे के पेशेंट को तो बहुत ज्यादा सजेस्ट करते हैं डॉक्टर की आप कलौंजी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। और कलौंजी सिर्फ इन्हीं फॉर्म में यूज नहीं की जाती है, आप इसका कहवा भी बना के पी सकते हैं, जो कि मैंने भी पिया था बना के। उसका तरीकाकार ये होता है कि आपने एक कप पानी लेना होता है, उसके अंदर आपने डालना होता है आधा स्पून या उससे भी कम कलौंजी, और उसके बाद आपने उसको बॉयल दिलाना होता है, और उसके बाद उसको आपने छान के पी लेना होता है। आप बेशक उसके अंदर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, हल्की फुल्की सी काली मिर्च और नमक भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ी सी चीनी भी ऐड कर सकते हैं आपकी मर्जी। बाकी ये है कि आप कलौंजी को जो है वो डिफरेंट तरीके से खा सकते हैं, मतलब जिस तरीके से आपको अच्छी लगती है। आप सैलड में छिड़क के खा सकते हैं, आप उसको निहार मुंह पिसा हुआ खा सकते हैं। जो पिसा हुआ फॉर्म में जब आप कलौंजी खाएंगे ना तो वो सबसे ज्यादा तो बेनिफिशियल होती है, वो कैंसर के पेशेंट्स के लिए होती है। अगर आप लोग चाहते हैं कि अल्लाह ना करे कभी आपको कोई बीमारी हो जाए, अल्लाह ना करे किसी को भी हो, फिर भी एहतियातन आप लोग जो है वो निहार मुंह कलौंजी क्रश फॉर्म में ले सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कम से कम 7 बीज और ज्यादा से ज्यादा 1 चम्मच तक ले सकते हैं, लेकिन मैं 1 चम्मच नहीं लेती थी, मैं आधा चम्मच लेती थी निहार मुंह पिसा हुआ पिसी हुई फॉर्म में। वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है जिन लोगों के पथरी हो ना गुर्दे में और पित्ते में उन लोगों के लिए भी, और कैंसर हो जिनको लोगों को, उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है वो, कि आपके जिस्म से सारे फ्री रेडिकल्स वगैरह को फ्लश आउट कर देता है अपनी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के साथ उनको मर्ज करके। और इसके अलावा आप इसको मिल्क शेक में यूज कर सकते हैं, आप इसको चटनी में यूज कर सकते हैं, आप इसको सालन में यूज कर सकते हैं, सैलड में यूज कर सकते हैं। आप अगर हाफ फ्राई एग खाते हैं तो आप उस पर यूज कर सकते हैं, सेम जैसे हम मोरिंगा यूज करते हैं सेम उसी तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो वो सब कुछ जो जिस तरीके से मैं यूज करती थी वो मैं इस वीडियो के अंदर ऐड कर दूंगी। हम लोग जो है ना वो बेसिकली कलौंजी जो है वो सिर्फ इस पर्पज के लिए यूज करते हैं कि अगर आपके फेस पे दाने बन रहे हैं, आपको इतनी का प्रॉब्लम है, तो चलो भाई लेमन का जूस निकालो फटाफट, उसमें कलौंजी मिक्स करो और वो फेस पे लगा लो, 3-4 दिन में आपका ये मसला हल हो जाएगा। आपके बाल झड़ रहे हैं बहुत ज्यादा तो कलौंजी का तेल लगा लो, और आपको बाल काले करने हैं तो कलौंजी का तेल लगा लो, अगर आपको बाल लंबे करने हैं तो कलौंजी का तेल लगा लो। लेकिन कलौंजी के इससे निकल कर भी बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है, बहुत ज्यादा बेनिफिट है। पर मेन चीज होती है आप लोगों के यकीन की, मतलब कि अगर आप लोगों को एक चीज पे यकीन है ना तो आपको उससे रिजल्ट जरूर मिलेगा। लाइक जैसे हम लोगों को आदत होती है स्पेशलिस्ट को चेक करवाने की, हम बीमार होते हैं हम गली में डॉक्टर्स को चेक करवाते हैं, छोटे मोटे क्लिनिक्स में जाकर चेक करवाते हैं, हम लोगों को आराम नहीं आता, हम स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं ना बस उसका नंबर ही लेते हैं खाली तो हम ठीक हो जाते हैं। ये बस एक एतमाद की बात है ना कि स्पेशलिस्ट को दिखाएंगे तो ठीक हो जाएंगे, आम डॉक्टर को दिखाएंगे तो आराम नहीं आएगा। तो मेन चीज होती है ना वो आपका यकीन होता है। अगर आपको यकीन है ना कि जिस चीज के बारे में हदीस भी है कि कलौंजी के अंदर मौत के सिवा हर बीमारी से शिफा है, तो अगर मैं इसको यूज करूंगी तो मुझे शिफा मिलेगी। और आप लोग दुआ भी पढ़ा करें, मैं भी पढ़ती हूँ जब मैं बच्चों को दवाई देती हूँ या मैं खुद कोई चीज लेती हूँ, तो मैं कहती हूँ या अल्लाह शाफी या अल्लाह काफी, आप लोग उर्दू में भी बोल सकते हैं या अल्लाह पाक, ये जो चीज मैं ले रही हूँ मुझे इससे शिफा आता फरमा। तो आप लोग इस तरीके से करके चीज लिया करें और पूरे यकीन के साथ वो चीज यूज किया करें, तो देखिएगा इंशाल्लाह जरूर ये आप लोगों के लिए फायदेमंद होगी, जरूर इससे आपको शिफा मिलेगी। ये नहीं है कि हम फलानी बीमारी से डर रहे हैं तो हम इस वजह से ये सब चीजें प्रिकॉशंस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मौत बरहक है, मौत एक दिन आनी ही आनी है, आज मेरी बारी कल किसी और की बारी, ऐसे होता ही होता है। लेकिन जिंदगी जो है वो एक बहुत बड़ी नेमत है, इलाज जो है वो सुन्नत है, इलाज करवाना सुन्नत है, परहेज करना सुन्नत है। तो ये सब चीजें आप इस तरीके से लिया करें, ये मत सोचा करें कि हाँ मौत के डर से हम ले रहे हैं, ऐसा नहीं होता। अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, आप लोग पॉजिटिव रखेंगे अपनी सोच को तब ही आप लोग ठीक रह सकेंगे। अगर आप लोग अपने अंदर नेगेटिविटी डाल लोगे, हर चीज में नेगेटिव पॉइंट देखोगे, एक मतलब एक 10 मिनट की वीडियो अगर 20 मिनट की कोई वीडियो उसके अंदर 100 पॉजिटिव चीज होंगी वो नोट नहीं करेगा कोई, सिर्फ ये नोट करेगा इसका ले जा देखो कैसा है, ये बात कैसे करती है, इसके बोलने का स्टाइल कैसा है, मतलब ये चीज आप लोग कब खत्म करोगे, अपने अंदर की नेगेटिविटी खत्म करो, हर चीज में पॉजिटिव पॉइंट ढूंढने की कोशिश किया करो कि इस चीज में कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव होगा ना, कोई तो ऐसी चीज होगी जो हमारे लिए पॉजिटिव हो, हमारे लिए हेल्पफुल हो। तो ये चीजें करें, हेल्दी सोच रखें, पॉजिटिव सोच रखें, अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, और बस
ये मेरी आज की वीडियो थी कलौंजी से रिलेटेड। इसके अलावा YouTube के ऊपर और भी बहुत ज्यादा कलौंजी से रिलेटेड वीडियो है। जब मैंने कलौंजी पे वीडियो बनानी थी तो मैंने गूगल पे से भी इन्फॉर्मेशन नोट की थी सारी पेज के ऊपर, और YouTube की भी मैंने काफी वीडियो देखी थी जहां से मुझे और ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिली थी और मैंने सारा कुछ नोट कर लिया था। तो आप लोग भी लिख के सर्च करेंगे ना कलौंजी के बेनिफिट्स तो आपको ढेर लाइन में वीडियोज मिल जाएंगी, तो आप लोग वो वाली वीडियो भी देख लेना, उनके अंदर भी कुछ ना कुछ बताया होगा। एक वीडियो में मैं देख रही थी कि उसके अंदर बताया हुआ था कि अच्छी कलौंजी की पहचान ये है कि आप सफेद कागज के अंदर कलौंजी को रखो और अगर वो कलौंजी ऑयल छोड़ देती है इसका मतलब होता है कि ये कलौंजी जो है वो अच्छी क्वालिटी की है। और कलौंजी के बीज और जो प्याज के बीज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। प्याज का बीज मोटा होता है, उसका रंग जो होता है वो इतना जेट ब्लैक नहीं होता जितना कलौंजी के बीज का होता है, और कलौंजी का बीज जो होता है ना वो तिकोना तिकोना सा होता है। तो जिन लोगों ने देखे होंगे उनको आइडिया होगा, आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा बिल्डअप होती है, क्योंकि मेरा बीपी जो है ना वो बहुत ज्यादा लो रहता है और मुझे पित्त में पथरी भी है और मुझे वीकनेस भी बहुत ज्यादा हुई हुई है। तो मुझे उस वजह से भी मैं यूज कर रही हूँ कि मेरी इम्यूनिटी बिल्डअप हो, मैं हिम्मत कर सकूं। जैसे मेरे से वीडियोस नहीं बन रही, आपने देखा होगा बहुत ही कम, कोई हफ्ते में एक वीडियो बमुश्किल में लगा पा रही हूँ, मेरे से वीडियोस नहीं बन रही। हालांकि बनी हुई कुछ पड़ी है पुरानी, तो वो मेरे से एडिट नहीं हो रही क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं रही है कि घर का काम वगैरह करने के बाद ही मैं इतना थक जाती हूँ कि वीडियो वाली तरफ सोच भी नहीं जाती मेरी, बहुत मुश्किल से। अब ये जो कलौंजी वाली वीडियो है ना, ये मैंने तीन पार्ट में बनाई है। आपने देखा होगा रात हो रही है, सुबह हो रही है, बाल खुले हुए हैं, बाल बंधे हुए हैं, तीन दिन में रुक रुक के मैंने ये वीडियो कम्प्लीट की है, ड्रेस भी सेम देख देख के, और दो दफा तो ये मैंने डिफरेंट ड्रेसेस में रिकॉर्ड की, वो मैंने इसके अंदर क्लिप भी नहीं एड किया, वो मैंने डिलीट कर दिए क्लिप। तो बस ये मेरी आज की वीडियो थी। तो जो लोग पूछ रहे थे कि आप कैसे यूज की थी आपने और हम कैसे यूज करें, उन सबके लिए कम से कम कैसे यूज करनी है, ज्यादा से ज्यादा कैसे यूज करनी है। ज्यादा फायदेमंद तब होती है जब आप इसको निहार मुंह लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो कलौंजी के जो बीज होते हैं वो बीज होता है, तो वो जो सात बीज आप निहार मुंह लेंगे तो वो जाके आपके मैदे में बैठ जाते हैं और दो तीन या चार दिन बाद वो फूटना शुरू होते हैं मैदे में, आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है उसका। तो हर चीज मैंने इस वीडियो के अंदर बता दी है, किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं वो भी बता दिया है, क्या क्या बेनिफिट है, हदीस इसके बारे में है। तो हदीस है तो आप लोगों को आंख बंद करके यकीन करना चाहिए कि अगर ये चीज ऐसी है, क्योंकि हमें कोई भी चीज ऐसी नहीं बताई गई जो हमारे लिए फायदेमंद ना हो, और कोई चीज ऐसी जिसे हमें मना किया गया हो तो हमारे लिए नुकसान देना हो, तो हमें इस चीज से अंधा एतमाद होना चाहिए कि ये चीज ऐसी है तो बस ठीक है, हमें कोई दलील कोई चीज इसके लिए नहीं चाहिए। तो बस ये मेरी आज की वीडियो थी, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। आप लोग उसको यूज करने अपनी जिंदगी में पंक्चुअल कर लें अपने आपको कि आप लोगों ने रोज कलौंजी इस्तेमाल करनी है, बिल्ला नागा इतनी ज्यादा बीमारियों से बचाएगी आप लोगों को कि आपकी सोच है, ठीक है। तो मिलूंगी इंशाल्लाह से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर कर दीजिएगा आपके घर में, आपकी फैमिली में, रिलेटिव्स में, कजन वगैरह में या फ्रेंड्स में कोई बीमार है तो उसके साथ ये वीडियो शेयर कर देना, तक क्या क्या पता उसके लिए हेल्पफुल हो जाए, कोई ऐसा मसला हो उसका जो इस वीडियो से हल हो जाए। लोगों को नहीं पता कि पीरियड्स में बीच साइकिलिंग सीट साइकिलिंग कैसे करते हैं, ग्रुप में वैसे पोस्ट पड़ी हुई है, वहां से जाकर देख सकते हैं। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो मैं उससे रिलेटेड भी आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगी। पीसीओडी और पीसीओएस के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है अगर आप सीट साइकिलिंग करते हैं इन प्रोसीजर के तहत। तो फिर मैं मिलूंगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लड़की का अपना ढेर सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।